इंदौर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमितेश नगर का है। यहां घर के बाहर सो रही 9 साल की मासूम को आरोपी देर रात उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बच्ची को आरोपी सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। मध्य प्रदेश में नाबालिगों के साथ ज्यादती करने वाले आरोपियों के खिलाफ फांसी देने का सख्त कानून बनाया है, लेकिन इसके बाद भी नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जारी है। ताजा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक दरिंदा मां के पास सो रही 9 साल की मासूम को उठाकर ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसे सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। वारदात के बाद बच्ची किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी और पूरे मामले की शिकायत थाने पर दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चंदन उर्फ चमन के रूप में हुई, जो कि अहिर खेड़ी का रहने वाला है। वहीं घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके ऊपर मारपीट, चोरी सहित अन्य मामले दर्ज होने के साथ ही दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा भी काट चुका है। 9 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कौन था ये? और दोपहर में हमारे पास सूचना आई थी उपरोक्त जघन्य अपराध के संबंध में। हम लोगों ने घटनास्थल गए थे, अपनी टीमें सब जगह लगाई थी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, उनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। फुटेज के आधार पर हमने संदेहियों के कुछ फ़ोटो भी तैयार किए थे। उन फोटो के आधार पर हमने हमारे पुलिस के सहयोगी लोगों से चर्चा की थी, जानकारी प्राप्त की थी। तो हमें मालूम पड़ा था कि कुछ दिनों से एक जो संदेही था हमारा, चमन और चंदन पिता लक्ष्मण, ये पुराना अपराधी था। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, द्वारकापुरी का रहने वाला है ये। फिर हम लोगों ने प्रयास करके उसको देखा था, उसका रिकॉर्ड निकालते हुए पूर्व में एक 376 के मामले में भवरकुआ में बंद हुआ था, जहाँ से अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व भी छूटा था सजा के बाद। हमने उसे पकड़ा है, पूछताछ की है, जिसमें उसने जुर्म करना कबूल कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसे शीघ्र न्यायालय पेश करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की थी हमें रात दोपहर में सूचना दी थी कि सर एक आपके क्षेत्र में एक घटनास्थल है, जहाँ पे एक 9 साल की बच्ची को रात में कोई व्यक्ति उठा ले गया था और उसके साथ गलत कार्य करके उसे छोड़ दिया था और उसे डरा दिया था कि किसी को अगर तुम बताओगे तो तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। बच्ची डर गई थी। रात को उसने अपने घर पहुँचने पर परिवारजनों को सही स्थिति नहीं बताई थी, लेकिन सुबह उसने अपने माँ बाप को समस्त स्थिति बताई। माँ बाप ने हमें थाने पे आके उसकी उस घटना के संबंध में सूचना दी। उसके सर साइको रेपिस्ट टाइप का ये है, हाँ अभी प्रथम दृष्टया प्रथम जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो आरोपी है, चूँकि पूर्व में भी इसने एक मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की थी, बलात्कार किया था और फिर उसने पुनः वही एक मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाया है, तो इससे लगता है कि कहीं का ये मानसिक रोगी है और इस तरह इसका छोटी छोटी बच्चियों को इसका टारगेट करने का मंतव्य रहा है। समय रहते हमने इसे पकड़ लिया, नहीं तो संभव होता है कोई और भी घटना घटित करता है। तो क्या नाम है आरोपी? चमन उर्फ चंदन है, पिता लक्ष्मण, निवासी अहिर खेड़ी का है ये, जो आईडिया की मल्टी है उसमें रहता है ये। टोटल कितने अपराध? इसके खिलाफ टोटल ये 5वां अपराध है। पूर्व में इसके 3 अपराध हैं, जो जिसमें 2 मारपीट के हैं, 1 चोरी का है और 1 376 का था थाना भवरकुआ का, जिसमें 10 साल की सजा काट के निकला है और अभी इसने पुनः उसी तरह का 5वां अपराध हमारे यहाँ घटित किया है। सर क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ये प्रकरण? बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलेगा और पुलिस भी इसमें शीघ्र अनुसंधान करके एक समय सीमा में इसका चलान भी न्यायालय प्रस्तुत करके और शीघ्र सारे गवाहों का बयान करके इसे अधिक कठोरतम दंड से दंडित कराएगी। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।